बोर्ड और मुस्लिमों को लेकर सियासत तेज है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी बैठक में कहा कि कॉमन सिविल कोड किसी हाल में लागू नहीं होने दिया जाएगा। बोर्ड की ओर से यह बयान आया तो शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि मदरसों को ही बंद कर देना चाहिए। ऐसा संभव है क्या कि भारत की राजनीति हो और हिंदू मुसलमान ना हो? ऐसा संभव है क्या कि भारत में चुनाव हो और हिंदू मुसलमान ना हो? ऐसा संभव है क्या कि बगैर धर्म की राजनीति के देश में चुनाव हो जाए? ये नहीं है संभव। इसीलिए 24 की जंग की सुगबुगाहट के साथ ही हिंदू मुसलमान का मुद्दा गूंज उठा है। एक दिन पहले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक थी। बैठक में तय किया गया कि कॉमन सिविल कोड के खिलाफ आवाज उठानी है, देश में कॉमन सिविल कोड लागू नहीं होने देना है। बोर्ड की आवाज से समाजवादी पार्टी के सांसद ने भी आवाज मिलाई है। मेरा खुद ख्याल ये है कि ये यूनिवर्सल सिविल कोड जो लागू करने की बात कर रहे हैं, ये कभी लागू नहीं होगा और न होना चाहिए। कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी मुस्लिमों को डराना चाहती है, वो धमका कर कॉमन सिविल कोड लागू करना चाहती है। बंदूक की गोली की तरह ऐलान करते हैं कि हम ये कर देंगे। आप किसे डराना चाहते हैं? आप सिर्फ राजनीति के लिए पोलराइजेशन देश के अंदर करना चाहते हैं। और शिवसेना कहती है कि कॉमन सिविल कोड पर बीजेपी जनता के साथ विश्वासघात कर रही है। देखिए, हिपोक्रेसी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी रणनीति के अंतर्गत और राजनीति के अंतर्गत रोज यही फैलाती है कि यूसीसी इंट्रोड्यूस करेंगे। और यहाँ पर खुद किरण रिजिजू जी कह रहे हैं कि ऐसा कोई निर्णय ही नहीं है। तो जनता के साथ जो विश्वासघात होता है, उनके साथ जुमलेबाजी हो रही है, वो इस शब्द से इनकी इनकी भाषा से इनकी बात से स्पष्ट हो गया। कॉमन सिविल कोड पर बहसें चल ही रही हैं कि इस बीच प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ही खत्म करने की अपील की है। उनका मानना है कि बोर्ड के साथ साथ ही वक्फ को भी खत्म कर देना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खत्म किया जाए और वक्फ बोर्ड को भी समाप्त किया जाए, क्योंकि भारत में इसकी आवश्यकता नहीं। इतना ही नहीं, शंकराचार्य समान शिक्षा नीति लागू करने के हिमायती हैं। कहते हैं देश में मदरसों पर बैन किया जाना चाहिए। अगर विश्व में अमन चैन शांति सद्भाव चाहिए तो मदरसों की जो शिक्षा नीति है, कुरान और हदीस की जो शिक्षा है, इसको पूर्णतया प्रतिबंधित करें। समान शिक्षा नीति, चाहे सरकारी हों, चाहे प्राइवेट हों, चाहे मदरसे हों, चाहे कॉन्वेंट हो, सब में एक शिक्षा प्रणाली लागू हो। वैसे तो स्वामी धर्मांतरण को राष्ट्रांतरण कहते हैं और धर्मांतरण करने वालों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा भी दर्ज कराने की मांग करते हैं, मगर दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि इस देश का हर नागरिक सनातनी है, जो दूसरे धर्म वाले हैं उनकी घर वापसी होनी चाहिए। भारत का अधिकतर मुसलमान सब सनातनी हिंदू ही थे, तो इनकी घर वापसी होना चाहिए। विश्व का हर व्यक्ति पैदा होने वाला सनातनी हिंदू ही है और वो संस्कारों के द्वारा विभिन्न धर्मों में जाकर परिवर्तन हो जाता है। बयानों के बाण चलने शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे चुनावी बादल छाएंगे, ऐसे बयान बरसते जाएंगे। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।